तो दोस्तों ये वीडियो मैं एडिटिंग करते टाइम बना रही हूँ। ये इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे को आप लोग को बताना है कि ये वाला जो व्लॉग है ये बहुत अनप्लान्ड व्लॉग है, और अभी जो आप आगे डांस या कुछ भी देखोगे वो शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स थे जो कि मैंने आगे अब व्लॉग में कन्वर्ट कर दी। हम लोग पैसिफिक मॉल गए हुए हैं, और तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे किसी रेडियो शो वालों ने ना अपना मतलब वो एडवर्टीजमेंट करने के लिए एक शो कंडक्ट करवाया हुआ था, और वहाँ उसको एंटरटेनमेंट का सोर्स बनाने के लिए वहाँ पे इफ यू वॉन्ट टू डांस तो आप डांस वांस कुछ भी कर सकते थे। तो वहाँ पे मतलब मेरा लास्ट डे था, मैंने कोई याद तो रखेगा नहीं मेरे को, मैंने जाती हूँ कोई मजे मजे करके आते हैं, कंफ्यूज मत होना कि क्या है ये, बस ये मेरे लास्ट डे की कुछ कुछ क्लिप्स हैं, आप देख के बस मजे करो। मैं बहुत डेस्परेटली ज्वाइन करना चाहता था यार, ये इन लोगों ने मना कर दिया वरना मैं आ जाता। नहीं, सम अदर टाइम फॉर श्योर। बहुत अच्छा डांस था आपके लिए, हमारे पास बहुत अच्छा गिफ्ट है, ऑल द बेस्ट। कैसा लगा हमारा गिफ्ट? थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड टेक केयर, थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मेरा देहरादून में लास्ट डे है, ठीक है? लास्ट डे बोले तो मतलब कल मैं जा रही हूँ वापस। पहले आप लोग बोल लो फिर मैं बोलता हूँ। तो देखो मैं किसके साथ आया हूँ, किसके साथ आया हूँ, मैं आया हूँ नेहा दीदी एंड विशाल दीदी। तो अभी हम लोग आए हैं पैसिफिक मॉल। अभी मैंने कोई सोचा नहीं था कि व्लॉग बनाने का प्लान, बट ये मेरा लास्ट डे है वो भी देहरादून, वो भी ऑफिशियल दीदी के साथ लास्ट डे। तो पैसिफिक में अभी हम लोगों ने डांस किया, मैंने डांस किया खूब सारा। अभी हम कुछ ठूसेंगे वूसेंगे, पूरा दिन मजे मारेंगे, रात के बज रहे हैं 7। अब देखते हैं आगे जैसे जैसा होगा हम लोग ऐसे वैसे शूट करेंगे आज का व्लॉग। आज मेरी फेयरवेल पार्टी ना, देखो कैसे मेरी सेवा कर रहे हैं। आओ जी आओ आओ आओ, पेश कीजिए। वेरी नाइस वेरी नाइस। व्लॉग ना बाद में करिए, अब खाने दो। हाँ खा लो खा लो, मैं कौन सा मुंह में हाथ देके बाहर निकालूंगा। अब चीज के आज नीचे नहीं रखते, पीते हैं। लेट मी टेक द इंटरव्यू। आपको मेरी याद नहीं आएगी क्या? जोर से बोलो। आपको फोन में माइक नहीं आएगी? अच्छा, कुछ फोन में माइक नहीं है? नहीं मतलब वो नहीं आएगी, आवाज़ नहीं आएगी, मतलब लगाना पड़ता है यार। अच्छा। ब्लॉगर्स के अपने वो पछड़े होते हैं। आप कल रोल लेना थोड़ा सा, ब्लॉग में कंटेंट मिल जाएगा मुझे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हम कहाँ हैं दीदी, पीछे आ रहा है कि हाँ ठीक है, मैं ना ये करने वाली हूँ, ठीक है, और ये स्पॉन्सरशिप कर रही है कुशल दीदी। Let's get started. Your time is going out now, take. No use hand, please. Okay,
नट्स आइसक्रीम उसका भी मैम टेस्ट है। ओके वेरी गुड, थैंक यू। देखो स्पेसिफिक आना और थोड़ा कैमरामैन थोड़ा वाइड एंगल दिखाओ यहाँ पर, इधर फर्स्ट ईयर में मैं जब फर्स्ट टाइम आई थी ना तब भी यही फोटो खिंचवाई थी फर्स्ट टाइम, और जाती बार भी लास्ट फोटो यहीं खिंचवा रहा हूँ। अगर तुम साथ हो पहले बोलो क्या? आपको कैसे लग रहा है मैं जा रहा हूँ तो? अब क्या करें हम तो? मैं याद रखूंगा ना कि आप क्या बोलोगे? मैं तो रोने लग जाऊंगी, मैं तो अभी वैसे भी दुखी हो रखी हूँ। क्यों क्यों रोने क्यों लग जाओ कि दुखी क्यों हो रहे हैं? दुखी होते हैं। नहीं पहले बताओ आपको मेरा वो लगेगा कि मैं जा रहा हूँ? सच में आपको सच्ची याद आएगी? झूठी झूठी नहीं, झूठी झूठी क्यों? मैंने आपको परेशान किया कभी? कभी भी नहीं। सच्ची? ना थोड़ा और क्या क्या बोलती थी? फिर बोलता मैं ऐसे बोलता था मैम आप बड़े अच्छे लग रहे हो, मैं पटाके चला जाता था खाना लेके रूम में। देख आपको ऐसा आप कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। अच्छा ऐसे बोलो बाय बाय बाय। मैम आप बोलो साक्षी मिस यू, साक्षी मिस यू। ऐसे करो साक्षी आई लव यू एंड मिस यू। ओए अब आप फ्लाइंग किस दो, ऐसे करो।